नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश हाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं। कमोडिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा। बात करें यहाँ पे अगर सबसे पहले कैसा सीड से, तो देख रहे हैं कि कैसा सीड का सितंबर वायदा 6262 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.25% की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी देख रहे हैं कि कैसा सीड में एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। फंडामेंटल्स तो खैर मजबूत ही हैं, तो आपको क्या लगता है क्या अगले वायदा में कैसा सीड के अंदर अच्छे लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? तेजी की तरफ ही आप देखिए, उसमें अभी भी जो है 6300 के आसपास ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बाजारों में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर आई है, लेकिन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। गिरावट की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अगर गिरता भी है यहां से बाजार अक्टूबर वायदा भी, तो 6200 तक नीचे लुढ़क सकता है। तो मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर आ सकता है, लेकिन उस करेक्शन के अंदर वापिस से खरीदारी जो है हावी होते हुए हम देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर फिलहाल के लिए 6500 के स्तरों के लिए इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। 6500 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आई तो कैस्टर जल्द ही 7000 के स्तर भी छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसमें डिमांड फैक्टर काफी हावी है, इसलिए अभी तेजी की तरफ है मार्केट। तो मुझे लगता है कि अगर अक्टूबर वायदा आपको 6000 से 6200 की रेंज के बीच में मिलता है, तो वहां पर खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है जी। तो यानी कि कैस्टर में अभी तेजी बाकी है, अभी तेजी ही देखने को मिलती रहेगी। रूपा जी के अनुसार कैस्टर सीड में 7000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी बात करें यहाँ से अगर चने की, तो देख रहे हैं कि वीकली क्लोजिंग देते देते चने में 5000 का लेवल टच किया है। 5051 पर कारोबार करता नजर आ रहा है, लगभग 1% की गिरावट है सेप्टेम्बर वायदा। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से चने में अभी और करेक्शन देखने को मिलेगी और गिरावट आएगी, या फिर यहाँ से कुछ बाजार संभलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, जहां तक चने की बात है, अखिलेश, चने के अंदर थोड़ा बहुत दबाव जो है वो बन सकता है। अभी सितंबर वायदा की अगर हम बात करें तो इसकी एक्सपायरी है बिल्कुल करीब, तो 5000 से लेकर 5100 की रेंज में घूमता हुआ नजर आ सकता है। अगला वायदा इसका है नहीं, जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक अगला वायदा शुरू नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए चना जो है 5000 से लेकर 5100 के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसके आसपास मुझे लगता है कि एक्सपायरी देखने को मिल सकती है जी। रूपा जी जाने बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 2400 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 2500 का भी लेवल अब ब्रेक हो चुका है। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है बिनौला खल में क्या यहाँ से 2300 के भी लेवल देखने को मिल पाएंगे? देखिए, बिनौला खल में गिरावट जो है अभी जो है वो थमती हुई नजर आई है, और दिसंबर वायदा 2550 के ऊपर है, तो 2600 से लेकर 2400 की रेंज फिलहाल यहाँ पर टेक्निकली बनती हुई दिखाई दे रही है, और फंडामेंटली भी अभी थोड़ा सा कमजोर हो चुका है मार्केट। तो बहुत ज्यादा अभी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, जब तक 2800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक लंबी तेजी फिलहाल इसके अंदर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उठापटक का माहौल बना रह सकता है, नीचे में 2400 का लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है तो ज्यादा बड़ी गिरावट आ सकती है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि 2400 से लेकर और 2600 की रेंज आने वाले कुछ एक दिनों में 15 से 20 दिन तक बनी रह सकती है जी। रूपा जी यहीं से बात करें अगर धनिया की, तो देख रहे हैं कि धनिया का बाजार काफी ज्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर वायदा में अचानक से 3% की गिरावट बनती हुई नजर आई है, जो हमने 8100-8200 के लेवल देखे थे, अब देख रहे हैं कि सीधे 7700 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है, क्या यहां से धनिया में एक ये प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है, या फिर यहां से बाजार और ज्यादा टूटेगा? देखिए, एक्सपायरी भी पास है, और दूसरा जो है एक जो फेस्टिवल सीजन में डिमांड निकलने की एक्सपेक्टेशन थी वो काफी कम होती दिखाई दी है यहाँ पर, क्योंकि अभी उम्मीद की जा रही है कि बहुत ज्यादा अभी पिकअप उठता हुआ डिमांड में नहीं आया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर बना है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में डिमांड पिकअप होगी और वापिस से तेजी की तरफ मार्केट जा सकता है। आप से अक्टूबर वायदा की बात करें तो नीचे में 7800 के आसपास सपोर्ट दिखाई दे रहा है, आज जरूर 2.5 से 3% की गिरावट आई है, और ये गिरावट आज इंट्राडे में बढ़ भी सकती है। तो 79-80 तक एक बार बाजार लुढ़कता हुआ अक्टूबर वायदा दिखाई दे सकता है, और 7800 का नीचे में लेवल है, वहां पर मार्केट अगर गिरता है तो वहां तक सपोर्ट आ सकता है, वहां पर वापस से फ्रेश बाइंग आ सकती है जो कि इसको 8500 तक ऊपर ले जा सकती है। तो आज इंट्राडे में प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी मुझे लगता है कि इसके अंदर तेजी का रुझान बना रह सकता है, और 7800 से लेकर 8000 की रेंज के बीच में इसमें लॉन्ग पोजिशन बनाकर चला जा सकता है जी। तो यानी कि भले ही अभी छोटी अवधि में मसालों की कीमतों में एक नरमी बनती हुई नजर आ रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें, लंबी अवधि की बात करें, तो लंबी अवधि में मसालों की कीमतों में तेजी का ही रुझान है।
यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का सितंबर वायदा आज भी 10,000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 3.5% की गिरावट है। और बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का भी सितंबर वायदा 5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि आखिरी कारोबारी दिन जिस हिसाब से ऊपरी सर्किट लगते हुए नजर आए थे, आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन उसी हिसाब से निचले सर्किट भी देखने को मिल रहे हैं ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो रूपा जी अब आपको यहाँ से क्या लगता है, यहाँ से अभी बाजार और ज्यादा गिरावट में गहराएगा या फिर कुछ संभलता हुआ नजर आएगा? देखिए जहां तक ग्वार की बात है, ग्वार के अंदर अखिलेश मैंने पहले भी बताया था कि फंडामेंटली कोई बहुत ज्यादा अपट्रेंड मोमेंटम नहीं है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि खरीदारी देखने को मिल रही है इन लेवल्स के ऊपर, तो इस वजह से डिमांड हाई हुई है तो ये तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अभी जो बाजार में गिरावट है इसे महज आप एक प्रॉफिट बुकिंग कह के चल सकते हैं कि 4% मार्केट लुढ़का है, तो अभी अभी फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा अभी फिलहाल गिरावट दिखाई नहीं देती। थोड़ा बहुत मार्केट लुढ़क सकता है क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखी थी, तो ये हफ्ते की शुरुआत गिरावट के साथ और हो सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आपको गिरावट देखने को मिले। जैसे पहले भी हमने देखा था कि ग्वार जो है 10,000 के ऊपर गई थी, फिर लुढ़की, वहां से फिर से बाइंग आई और फिर वापिस से नया हाई लगाया इसने, तो सेम एज इट इज अभी यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि अभी थोड़ा नीचे जा सकता है, 10,000 से नीचे लुढ़क सकता है। अक्टूबर वायदा तो 9800 के आसपास जो है वो एक बार फिर से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि आएगा, जो वापिस से इसको 11,000-12,000 तक ले जा सकता है। तो ट्रेंड है, पॉजिटिव है, डिप के अंदर बाइंग की ही रणनीति होनी चाहिए। सेम एज इट इज सीट के अंदर भी 6500 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर वायदा एक बार ऊपर में जा सकता है। आज जरूर 6% गिरा है क्योंकि पिछले हफ्ते हमने 6600 के ऊपर इसको जाते हुए देख लिया था, लेकिन अभी इस हफ्ते की जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है 6000 से लेकर 6500 तक के बीच में, ये वाला हफ्ता इसके अंदर मुझे लगता है कि कारोबार होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, यहाँ से बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में देख रहे हैं कि सरसों के अंदर जो हमने बीते कारोबारी सप्ताह अच्छे लेवल्स आते हुए देखे थे, अब देख रहे हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज कुछ थोड़े कम लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि MSP से अभी भी ऊपर है, काफ़ी ठीक ठाक लेवल्स अभी भी हैं, लेकिन जो हमने लास्ट वर्किंग डे लेवल्स आते हुए देखे थे आज वो नहीं देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। रिफाइंड सोया तेल के भी अंदर देख रहे हैं कि कुछ निचले स्तर देखने को मिले, और बात करें सोयाबीन की तो सोयाबीन में भी कहीं ना कहीं बाजार आज कुछ उठता हुआ नजर आया है, सोयाबीन में बाजार उठा हुआ है, बाकी रिफाइंड सोया तेल और सरसों में आज एक हल्की नरमी देखने को मिल रही है। तिरुपा जी अब आपको यहाँ पे क्या लगता है, खाद्य तेलों में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए अखिलेश, अभी जो खाद्य तेल है, खाद्य तेलों के अंदर आज भी गिरावट जो है वो हावी होती हुई हम देख सकते हैं क्योंकि सभी एग्री कमोडिटीज की आज शुरुआत गिरावट के साथ हुई है, तो खाद्य तेलों में भी थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन अभी ना तो बहुत ज्यादा मंदी की आसार है और ना ही बहुत ज्यादा अब कोई फ्रेश जो है वो हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा कोई लंबी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल के लिए जो रेंज की हम बात करें अगर अक्टूबर वायदा की सरसों की, तो सरसों मुझे लगता है कि नीचे में 8200 और ऊपर में 9000 की रेंज के बीच में घूम सकती है। तो फिलहाल के लिए आज इंट्राडे में जो गिरावट है वो नीचे में एक्सपेक्टेड है कि 8580 तक आ सकती है, और वहां से अगर बाउंस बैक आया तो नया हाई लग सकता है आज इंट्राडे का, 8800 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। सेम एज इट इज अगर हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो उसमें प्रेशर है, उसमें कोई बहुत ज्यादा तेजी की फिलहाल उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। और सोयाबीन जो है, सोयाबीन का भी अक्टूबर वायदा के अंदर बहुत ज्यादा मुझे कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि तेजी बनेगी, 6500 और नीचे में 6000 की रेंज जो है फिलहाल देखने को मिल सकती है। तो अब एडिबल ऑयल पैक के अंदर वो लंबी तेजी अभी तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, हाँ फेस्टिवल सीजन के चलते एक डिमांड पिकअप हो तो उसके वजह से जो है वो तेजी बन सकती है, लेकिन अब कितनी सस्टेनेबल होगी ये देखना होगा क्योंकि अब आने वाला समय मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल के अंदर मंदी वाला हो सकता है, जो तेजी आनी थी वो आ चुकी, अब गिरावट हावी होती हुई हम देख सकते हैं। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? अगर आज की बात करें तो अखिलेश, आज ओवरऑल सभी कमोडिटीज के अंदर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आज तो सारी कमोडिटीज लाल रंग के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, तो आज तो बिकवाली का प्रेशर है तो आज बिकवाली के अंदर ही रहना चाहिए। अब चना जो है एक्सपायरी के पास है तो चने में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, धनिया में गिरावट है आज, धनिया 7960 से लेकर 7940 तक लुढ़क सकता है अक्टूबर वायदा, तो उसमें भी बिकवाली कही जा सकती है, 4% का सर्किट लगता हुआ हम देख सकते हैं। तो फिलहाल आज गिरावट का दौर है तो आज बिकवाली के अंदर रहा जा सकता है इंट्राडे के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जैसे कि हमने डिस्कस किया कॉमोडिटी वाइज, तो निचले स्तरों पर खरीदारी बनती हुई उन कॉमोडिटीज में हम देख सकते हैं इंट्राडे में, आज बिकवाली में रहा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी मसा जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो यह था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, उस पर रूपा जी की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं,
क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।